शुभांकर मिश्रा ने जब मोहम्मद शमी का इंटरव्यू लिया तो 2023 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप की पुरानी बातें होने लगी, जिसमें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने मोहम्मद शमी पे एक टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद शमी की जो गेंद है उसमें चिप लगी हुई है, उसमें कुछ खास ऐसा है जिस वजह से ये 7-7 विकेट ले रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने वो मैच नहीं देखा था तो उसमें एक मैच में मोहम्मद शमी ने 7 विकेटें ली थी, तो उसी पे इन्होंने ये टिप्पणी की थी कि इसमें चिप लगाई गई है जिसकी वजह से ये जो 7-7 विकेटें लेने में ये कामयाब हो रहे हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 में, यही बात इन्होंने अर्शदीप के लिए कही कि इसमें चिप लगाई गई है और इस पे ध्यान रखना चाहिए, इस पे एम्पायर को नज़र रखनी चाहिए। तो शुभांकर मिश्रा ने जब मोहम्मद शमी का इंटरव्यू लिया तो मोहम्मद शमी ने ऐसी लताड़ लगाई कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 गेंदें रखी हुई हैं, जब भी हमारा आमना सामना होगा हम 20 लोगों को सामने बैठाएंगे और उसके बाद हम उनमें से इन्हें चूज करने को देंगे कि कौन सी गेंद हमें स्विंग करानी है और वही हम स्विंग करा के दिखाएंगे, और उसके बाद में 2 गेंदें बचेंगी वो हम काट के दिखा देंगे कि इनमें देखो कौन सी चिप है, चिप आपके दिमाग में हो सकती है, गेंद में नहीं है। इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है, चिप लगाई जाती है, ये किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपने ये किया है और आप पकड़े भी गए हैं। 2006 के वर्ल्ड कप जो 2006 का जो मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें इन्हों की ऐसी ही हरकत पकड़ी गई थी, तो वो भी मोहम्मद शमी ने इन्हें याद दिलाते हुए इनके पुराने दिन याद दिला दिए और ये बता दिया कि आप कितने अच्छे हो, आप करो वो रासलीला और हम करें वो करेक्टर ढीला। तो मोहम्मद शमी का ये इंटरव्यू बहुत ही बिंदास रहा और मोहम्मद शमी ने अच्छे से इन्हें समझा दिया कि आप कम से कम हमें ना समझाएं, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से समझने की ज़रूरत नहीं है, भारत खुद इतना सक्षम है कि हमारे पास हर तरह के बॉलर हैं और हमारे पास हर तरीके के बॉल डालने वाली बॉलर हैं, तो कम से कम आप हमें ना समझाएं। और मोहम्मद शमी की इस बात पे आपको क्या कहना है, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।